And if I say 1 mole, protons, तो दिमाग में आता है 6.022 × 10^23 protons, ठीक है. If I say 1 mole, molecules, तो मेरे दिमाग में आता है 6.022 × 10^23 molecules. जैसे डजन बोला तो 12 दिमाग में आता है, तो 1 mole बोला तो 6.022 × 10^23, ठीक है. तो इफ आई से 1 mole पेंसिल्स, तो 1 mole पेंसिल्स आर 6.022 × 10^23 पेंसिल्स. थोड़ा पेंसिल और मॉलिक्यूल का कुछ रिलेशन नहीं है, पर मतलब जैसे 1 dozen mango 12 होते हैं, तो वैसे 1 dozen पेंसिल 12 होते हैं, तो मैंगो एंड पेंसिल नॉट रिलेटेड. तो क्लास ये नंबर है जो दिखाता है एक कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कितना 6.022 × 10^23. तो क्लास क्वेश्चन है ये नंबर आया कहाँ से, ठीक है. तो क्लास अगेन उसके लिए हमने रेफरेंस लिया कार्बन को, ठीक है. हमने कार्बन को रेफरेंस लिया, तो क्लास ये नंबर लाया कैसे गया साइंस में, तो कार्बन को रेफरेंस किया. तो क्लास कार्बन के दो आइसोटोप्स आपको मालूम है, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, और कार्बन का दूसरा आइसोटोप नेचर में अवेलेबल है कार्बन एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 14. तो दो आइसोटोप्स अवेलेबल है, इसको कंसिडर नहीं करेंगे. तो साइंटिस्ट ने कंसिडर किया ये वाला आइसोटोप, साइंटिस्ट लोगों ने, और उन्होंने क्या किया, एग्जैक्टली 12 ग्राम या फिर किलोग्राम में लिखेंगे तो 0.012 किलोग्राम, प्लस अगर ग्राम को 1000 से डिवाइड करें तो किलोग्राम हो जाता है, राइट. तो उन्हें एग्जैक्टली 12 ग्राम ये वाला कार्बन लिया, C12 लिया, और उनने काउंट किया कि 12 ग्राम C12 में कितने एटम्स होते हैं. तो उनको पता चला 12 ग्राम कार्बन जिसका मास कितना है 12 है, उसमें होते हैं 6.022 × 10^23 एटम्स. तो क्लास फिर ये नंबर को डिसाइड किया गया कि इस नंबर को हम लोग मोल के लिए यूज करेंगे. तो क्लास सिफाई से एटम्स और पेंसिल में कुछ रिलेशन है, कुछ नहीं है, पर क्लास ये नंबर अगर मैं एटम के लिए यूज करता हूँ, मैं पेंसिल के लिए यूज करूंगा, मॉलिक्यूल के लिए करूंगा, प्रोटॉन के लिए करूंगा, एटम्स के लिए यूज करूंगा. तो भाई जैसे ये नंबर फाइंड करने के लिए कार्बन को क्या किया गया, रेफरेंस लिया गया, ठीक है. तो बाद में इसका कार्बन का कुछ यूज नहीं है, पर ये नंबर क्या होना चाहिए, जैसा डजन मतलब 12 होना चाहिए, तो 1 mole नंबर क्या होना चाहिए, तो मोल नंबर कहाँ से तो होना चाहिए. तो नंबर कहाँ से आया कि 12 ग्राम कार्बन 12, कार्बन के दो आइसोटोप से हमें कौन सा लेना है, C12 लेना है. तो 12 एग्जैक्टली आप 12 ग्राम C12 कार्बन 12 आइसोटोप लोगे तो उसमें कितने एटम्स होते हैं कार्बन के, 6.022 × 10^23 एटम्स. तो उतने नंबर का कोई भी चीज क्या कहलाएगा, 1 mole. तो क्लास इफ आई आस्क यू डिफाइन मोल, अगर बोलता है मोल को डिफाइन करो, तो क्लास मोल को डिफाइन कैसे करेंगे, तो मैं लिखता हूँ और देखो आप समझ लो मोल को डिफाइन कैसे करेंगे. 1 mole इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस One mole is the amount of substance that contains as many particles as there are atoms. Other atoms in exactly other atoms in exactly कितना 12 ग्राम, और अब लिख सकते हो ब्रैकेट में किलोग्राम लिखो तो 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप. तो क्लास देखो आप दिमाग में ये चीज फिक्स करो, मोल एक नंबर है, तो प्लस वो नंबर क्या होना चाहिए, तो वो नंबर क्या होना चाहिए, इसलिए किसको अपने रेफरेंस लिया, कार्बन 12 को रेफरेंस लिया. तो सिर्फ कार्बन 12 रेफरेंस लेने के काम में आता है, बाद में हमें कार्बन 12 का कुछ जरूरत नहीं है. तो 1 mole का नंबर क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, तो वो क्या बोले, कार्बन के अगर आप C12 आइसोटोप लोगे कितना 12 ग्राम, उसमें जितने भी आइटम आएंगे तो जो भी नंबर आपको आएगा उतने वो आइटम्स का वो नंबर कहलाएगा 1 mole. तो प्लस मुझे बताओ कि आप अगर 12 ग्राम कार्बन लेते हो एग्जैक्टली 12 ग्राम कौन सा C12, तो उसमें कार्बन के कितने एटम्स आते हैं, तो आपको एटम्स मिलते हैं 6.022 ×
कैंड्रेस टू 23 एटम्स मिलते हैं, राइट, किसके, कार्बन के। तो क्लास फिर इस नंबर को नाम दिया गया वन मोल। तो मैं बोल सकता हूँ वन मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, बोल सकते हम लोग वन मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन, वन मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन कितना 6.022 इंटू 10^23 पार्टिकल्स। मतलब ये पार्टिकल्स क्या हो सकता है, वो पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, वो पार्टिकल आइटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, चॉकलेट हो सकता है, आइसक्रीम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। प्लस ये नंबर कहाँ से है, तो नंबर ये डेफिनेशन, उसका मोल का डेफिनेशन के लिए ये इससे इतना काम का है, अदरवाइज हमें कार्बन 12 का आइसोटोप का और कुछ जरूरत नहीं है। तो ये नंबर कहाँ से है ये सिर्फ समझने के लिए, आपको समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। तो वन मोल को डिफाइन करने के लिए उन्होंने क्या लिया, इसको रेफरेंस लिया, किसको, कार्बन 12 को। ठीक है, कितना कार्बन लिया उन्होंने, साइंटिस्ट लोगों ने एग्जैक्टली 12 ग्राम कार्बन लिया, कौन सा, C12, C12 भी है, C14 भी है, C14 को नहीं लिया, दे टुक एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ C12। ओके, और उन्होंने पता किया कि आप एग्जैक्टली 12 ग्राम कार्बन लेते हो तो उसमें कार्बन के कितने आइटम होते हैं, 6.022 इंटू 10^23 आइटम होते हैं। तो बस बाद में जो नंबर आया 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे क्या नंबर आया, 6.022 इंटू 10^23 नंबर आया उन आइटम्स का। तो फिर इस नंबर को नाम दिया गया वन मोल। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ वन डजन, मतलब साल में जितने महीने होता है वो वन डजन, सॉरी वन डजन, तो प्लस साल में कितने महीने होते हैं, हाउ मेनी मंथ्स इन द ईयर, हाउ मेनी मंथ्स इन द ईयर, 12 ना। तो अगर मंथ में 12 ईयर है तो कलेक्शन ऑफ 12 इज कॉल्ड एज द डजन। तो कुछ तो रेफरेंस लिया गया, क्या रेफरेंस लिया गया कि साल में जितने महीने उतना महीने होता है उतना उतने क्वांटिटी इज वन डजन। तो 12 ग्राम कार्बन में जितने आइटम होते हैं उतना नंबर होगा वन मोल। तो वन मोल इज गिवन नंबर 6.022 इंटू 10^23। और क्लास इस नंबर को कुछ और बोल देगा, हम आपको मालूम है व्हाट इस नंबर इज आल्सो कॉल्ड एज, एनीबॉडी, अवोगाड्रोस नंबर, वेरी गुड, दैट नंबर इज आल्सो कॉल्ड एज अवोगाड्रोस नंबर, AVOGADRO, अवोगाड्रोस नंबर। तो क्लास मोल कैसे है ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, पर आपको वन मोल कितना होता है 6.022 इंटू 10^23 आपको ये मालूम होना बहुत जरूरी है। डेफिनेशन के लिए इतना काफी है, पर डेफिनेशन में बाद में कभी लगेगा नहीं पूरे 11 और 12 में। ठीक है, तो क्लास में आगे बढ़ता हूँ। तो क्लास हमने लास्ट लेक्चर में कुछ चीजें बातें की थी, तो एक बार क्विक रिवीजन होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, क्विकली एटॉमिक मास क्या होता है, यस क्लास आपसे आंसर चाहिए मुझे, एटॉमिक मास क्या होता है, व्हाट इज एटॉमिक मास, मास ऑफ अ सिंगल एटम ऑफ एन एलिमेंट, वेरी गुड, मास ऑफ सिंगल एटम, राइट, of an element is atomic mass, ठीक है, but what is the atomic mass of hydrogen? देखो बार बार revise हो रहा है, फिर भी एक बार वापस, one, right? Yes. Unit बोलिए, unit? Dalton. U रहा, Dalton, ठीक है, atomic mass of hydrogen one U, okay, carbon is? 2 N. Hydrogen is? Sorry, nitrogen is? 14. 14 U. Fluorine आपको मालूम है, मैंने last time को बताया था, 31.5 mass of single molecule, right? Mass of single molecule. Plus एक simple question पूछता, सबको answer मालूम है, फिर भी एक बार मेरे किसी के लिए पूछता, atom और molecule difference क्या होता है, atom और molecule में difference क्या होता है, what is difference between atom and molecule? Molecule is the smallest particle of a compound. हाँ, very good. An atom is the smallest particle of the element. चलेगा, पर मुझे एक क्वेश्चन है, डिफरेंस मतलब प्रैक्टिकल डिफरेंस क्या है? तो क्लास आप एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, राइट, फर्दर, पर मॉलिक्यूल कैन बी डिवाइडेड इनटू एटम्स, बराबर ना, आया ना। तो मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ व्हाट, मोर देन वन एटम, मॉलिक्यूल क्या बना होता है,
मोर देन वन एटम का मॉलिक्यूल बना होता है, बराबर है, मॉलिक्यूल मतलब मोर देन वन एटम्स, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास होता है मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। अगला दीपा आज क्यों मेरे पास मॉलिक्यूल है, हमने लास्ट टाइम किया था, मेरे पास मॉलिक्यूल है NaOH, ठीक है। अब इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो NaOH मेरे पास, अगर NaOH का एक मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, तो इट इज सम ऑफ मासेस ऑफ बराबर एटम्स प्रेजेंट इन अ molecule, the sum of atom present in the molecule, we can simply say it is the mass of single molecule, right? So NaOH ka kya hoga molecular mass, Na, ek NaOH mein ek Na atom hai, ek O atom aur ek H atom, right? Na is 23, O is 16, H is 1, so 23 plus 16 plus 1 hoga 40 U, that will be the molecular mass of single molecule of NaOH, theek hai? Agar main bolta hu mere paas कार्बन डाइऑक्साइड है, थोड़ी मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तो प्लस CO2 कितना होगा, मतलब आपका C है तो आपका 2O है, राइट, तो मास ऑफ वन कार्बन आइटम इज वेरी गुड 12, ऑक्सीजन इज 16, तो कौन सा आएगा वेरी गुड 44U, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इज 44U। The mass of single atom is called as the atomic mass. Mass of single molecule is called as the molecular mass. Got it? Okay. But the problem क्या होता है आपको मालूम है कि ये अगर मैं बोलता हूँ mass of one molecule of carbon dioxide 44 U plus ये gram में कितना होगा आपको मालूम है? तो हम लोग करते हैं adjust करके ना, do the conversion. ये 44 U आपका mass है, ठीक है? तो आपको बोलता हूँ मैं एक molecule carbon dioxide का बीकर में, तो class आपको अगर एक molecule लेना है carbon dioxide का बीकर में, just now I'll come to the calculation. 24 into 1.605, so that will be, agar ye 44 U hai to wo gram mein kitna hoga, 73.062 × 10^-24 gram. plus kaise kiya hum logon ne, ye 1 U kitna hota hai आपको याद है थोड़ा बहुत, 1.6605 × 10^-24 gram, ये होता है 1 U, तो आपके पास मास कितना है इसका 44 U, तो 44 U कितना ग्राम होगा, था 1 ग्राम होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर आएगा 1.6605 × 44 × 10^-24 ग्राम, राइट, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा 73.062 × 10^-24 ग्राम। बस मुझे ये दिखाने का एक ही रीजन है, आपको इतना बड़ी कैलकुलेशन करनी नहीं है, क्या एक एटम का सॉरी एक मॉलिक्यूल का मास, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल का मास बहुत ज्यादा या बहुत कम है, 10^-24 है, तो दिस इज वेरी वेरी बिग मास और वेरी वेरी स्मॉल मास, यस इज एक्सट्रीमली स्मॉल मास, राइट, बहुत छोटा है, -24 मतलब जीरो, बहुत छोटा पावर है, एक्सट्रीमली स्मॉल। मतलब हमारे पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा लैब में, अपने लैब में, केमिस्ट्री लैब में, कि जो हम लोग क्या करें, एक एटम ले कार्बन डाइऑक्साइड, पहले तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल में दिखेगा ही नहीं, तो मॉलिक्यूल एक्सट्रीमली स्मॉल, कैन नॉट बी सीन थ्रू योर आईज, कैन नॉट बी सीन थ्रू एन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, आपसे कोई इंस्ट्रूमेंट हमारे पास लैब में होगा नहीं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल देख पाओगे, तो प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक वन सिंगल एटम और वन सिंगल मॉलिक्यूल एंड कैरी आउट द रिएक्शन। तो बस ये सब चीजें अवॉइड करने के लिए, ये सब कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ टेकिंग मास ऑफ वन, इंस्टेड ऑफ टेकिंग मास ऑफ वन सिंगल एटम और इंस्टेड ऑफ टेकिंग मास ऑफ वन सिंगल मॉलिक्यूल, हम लोग लेते हैं मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम्स या फिर मास ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब क्लास उस मास को हम बोलते हैं, एनीवन उस मास को हम बोलते हैं, याद है, मोलार मास, मोलार मास, वेरी गुड, क्या बोलते हैं उसको, मोलार मास, उस मास को बोलते हैं मोलार मास। तो क्लास व्हाट इज मोलार मास, व्हाट इज मोलार मास, मास ऑफ, बोलिए, मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस, mass of one mole of substance
सस्तन मतलब क्या हो सकता है, आपका सस्तन होता है ऐसे, या तो आइटम हो सकता है या तो मॉलिक्यूल हो सकता है, राइट? तो मास ऑफ वन मोल ऑफ सस्तन इज कॉल्ड इट्स मोलर मास. तो मास ऑफ वन मोल ऑफ सस्तन इज कॉल्ड इट्स मोलर मास. तो क्लास ठीक है, क्लास आपको लगेगा ये सर बहुत बार रिपीट कर रहे हैं, बहुत बार बोल रहे हैं, पर क्लास याद रखो ये यही चीजें आपको केमिस्ट में 2 साल बार बार सीखनी है. तो मास ऑफ वन मोल ऑफ सस्तन, वो सस्तन एटम हो सकता है या फिर मॉलिक्यूल हो सकता है, इसको एज द मोलर मास. तो क्लास क्विकली मैं शायद आपको डायरेक्ट दिखा लेता हूँ बुक में. माई क्वेश्चन इज ओके, एलिमेंट हाइड्रोजन है राइट, उसका एटमिक मास +1U मतलब क्या, उसके एक सिंगल एटम का मास बराबर ना, बराबर है उसका एक सिंगल एटम में उसका मास होगा 1U. अगला हम लोग हाइड्रोजन के 6.022 × 10²³ एटम्स आएंगे, 6.022 × 10²³ एटम्स लेंगे राइट, हम लोग अगर लेंगे इतने सारे एटम्स हैं हम लोग किसके हाइड्रोजन के, तो ना उतने सारे एटम्स का जो मास आएगा वो कितना आएगा आपको 1 ग्राम आएगा राइट. हाँ क्लास ये समझते हैं, पर मोल एक मोल का मास 1 ग्राम आएगा, तो क्लास तो उसको बोलते हैं मोलर मास. तो मोलर मास क्या होता है, ग्राम पर मोल, एक मोल का मास होता है मोलर मास. तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास, हाइड्रोजन का एक एटम का मास, इफ आई टेक वन सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन उसका मास कितना है 1U, क्या बोलेंगे उसको एटॉमिक मास. बट इफ आई टेक 6.022 × 10²³ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, बट एक 6.022 × 10²³ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो उतने एटम्स का जो मास आएगा वो कितना आएगा आपको 1 ग्राम आएगा. तो 1 ग्राम पर मोल प्लस वाई पर मोल, वाई पर मोल एनीबडी, वाई पर मोल बोलो प्लीज, बोलोगे तो आपको अच्छे समझेगा. वाई पर मोल ये समझता है पर मोल सिंबल -1 मतलब, अगर आपको ये सिंबल मालूम नहीं अपने फिजिक्स में सीखा रहेगा मैं आपको बताता हूँ. हम लोग ऐसे लिखते हैं स्कूल में, लिखते थे ग्राम पर मोल राइट, ऐसे लिखते थे ग्राम पर मोल. पर क्लास अभी अभी हम लोग 11 में ऐसा नहीं लिखते, तो ग्राम प्लस ये मोल नीचे से ऊपर आता है तो क्या होगा मोल रेस्ट टू -1, इसको ग्राम पर मोल. तो क्लास यहाँ पर मोल का मतलब क्या होता है, इट इज फॉर 1 मोल राइट. तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज 1 ग्राम. ओके, व्हाट इज मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ कार्बन, 12U. तो इफ आई टेक 6.022 × 10²³ एटम्स ऑफ कार्बन उसका मास होगा 12 ग्राम. तो 12 ग्राम कितने एटम का मास है, 1 मोल का, 1 मोल एटम का मास राइट. ठीक है, ऑक्सीजन का एक एटम का मास 16U है, बट इफ आई टेक 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मतलब 6.022 × 10²³ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन उसका मास कितना आएगा 16 ग्राम पर मोल. ठीक है, अभी कंपाउंड लेते हैं, ये डायमंड लिया, अभी कंपाउंड लिया, प्लस O2, प्लस O2, O2 राइट, प्लस O2 इज मतलब 2 ऑक्सीजन आइटम्स राइट. तो O इज 16, तो O2 इज 32. तो 32 क्या है, एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मास, सिंगल मॉलिक्यूल ऑक्सीजन हैज मास 32U. पर इफ आई टेक 6.022 × 10²³ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन उसका मास होगा 32 ग्राम. ओके, इफ आई टेक वन सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, व्हाट इज वाटर, H2O, दो हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन, तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज 18U. कितना 18U. पर इफ आई टेक 6.022 × 10²³ × 10²³ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर उसका मास आएगा 18 ग्राम. NaCl, NaCl का एक मॉलिक्यूल Na और Cl, Na is 23, Cl is 35.5, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl has मास 58.5U. बट इफ आई टेक 6.022 × 10²³ मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl आंसर आएगा 58.5 ग्राम पर मोल. प्लस यहाँ पे कुछ देखोगे फॉर्मूला मास यहाँ पे लिखा है राइट. तो क्लास अगर आपका कंपाउंड आयनिक है, आपको बोला मैं आयनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ कैटायंस एंड आयंस Na+ एंड Cl-, तो ना आयनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को फॉर्मूला मास भी बोलते हैं. मॉलिक्यूलर मास बोला तो भी चलता है, पर उसको फॉर्मूला मास भी बोलते हैं. किसको, आयनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को फॉर्मूला मास भी बोलते हैं. यहाँ पे फॉर्मूला मास लिखा है. तो क्लास ठीक है, तो अगर आप एक सिंगल आइटम लोगे तो उसका मास होगा एटॉमिक मास, पर आप अगर 1 मोल आइटम लोगे तो उसका मास होगा मोलर मास. अगर आप एक सिंगल मॉलिक्यूल लोगे तो उसका मास होगा मॉलिक्यूलर मास, पर अगर आप 1 मोल मॉलिक्यूल लोगे तो उसका मास होगा मोलर मास. तो ठीक है क्लास आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सिंपल क्वेश्चन. देखो बहुत आराम से आंसर देना. इफ आई टेक 24 ग्राम्स ऑफ
कार्बन, मेरे पास कितना मोल कार्बन है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इफ आई हैव 24 ग्राम ऑफ कार्बन, मेरे पास कितना मोल कार्बन है? 2 मोल. वेरी गुड, बहुत फास्ट आंसर है सब लोगों से. वेरी गुड स्टूडेंट, बहुत अच्छे से आप बता रहे हो. हाँ क्लास, कैसे किया आपने ये? तो क्लास कार्बन है एटॉमिक मास, सॉरी कार्बन है मोलार मास, कार्बन है मोलार मास 12 ग्राम पर मोल, राइट? कार्बन है मोलार मास 12 ग्राम पर मोल, मतलब क्या, 1 मोल ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम, राइट? 1 मोल ऑफ कार्बन इज पर मोल, मतलब 1 मोल ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम. देयरफॉर x मोल ऑफ कार्बन विल बी 24 ग्राम, राइट? तो आपका आंसर है कितना, x इज इक्वल टू 2 मोल. वेरी गुड, तो आपने फाइंड किया कि 24 ग्राम कार्बन में कितने मोल होते हैं? 2 मोल होते हैं. प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, इफ आस्क यू, ठीक है एक मिनट, हाउ मेनी मोल्स इन हाउ मेनी मोल्स इन, मैं दिख रहा हूं, हाउ मेनी मोल्स इन 7.666 ग्राम ऑफ सोडियम. अभी अब सॉल्व करोगे? मैं रुकता चाहता हूँ. हाउ मेनी मोल्स इन 7.666 ग्राम्स ऑफ सोडियम. देखो यहाँ पे आपने बहुत इजीली कर लिया, ये भी डिफिकल्ट नहीं है, फिर नंबर थोड़े तो कॉम्प्लिकेटेड है, जानबूझ के मैंने ऐसा. तो क्लास व्हाट विल बी अप्रोच, आपका अप्रोच क्या होगा? 1 मोल ऑफ सोडियम, एनीबॉडी रिमेम्बर, इज 23 ग्राम, बराबर ना? व्हाई? सोडियम का मोलर मास है 23 ग्राम पर मोल, बराबर, या फिर ऐसे लिखते हैं 23 ग्राम पर मोल. तो 1 मोल ऑफ सोडियम इज 23 ग्राम. प्लस आपके पास कितना ग्राम सोडियम है? 7.666, राइट? तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम will be 7.666 ग्राम. तो आपका आंसर होगा x is equal to, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 23x is equal to 1 into 7.666, तो x is equal to 7.666 divided by 23 plus. अब इसको कैलकुलेटर से फिलहाल कर सकते हो, मैं आपको बाद में बताऊंगा लॉग टेबल से कैसे करते हैं. 7.666 divided by 23, तो आंसर आएगा आपको 0.3333 मोल, राइट? समझ आपको ये? ओके, तो क्लास अभी ये हम लोग ऐसे बार बार नहीं कर पाते बैठेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फॉर्मूला तैयार करेंगे. तो क्लास अपने कुछ क्वेश्चन पूछा था कि 24 ग्राम कार्बन मतलब कितना मोल, तो क्लास हमारे पास कुछ फॉर्मूला होना चाहिए. तो क्लास नंबर ऑफ मोल्स इज हैविंग फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. क्लास क्या फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल का? कहा क्लास नंबर ऑफ मोल का सिंबल होता है स्मॉल एन, याद रखो, ये आपको बहुत बार याद होगा. तो स्मॉल एन इज नंबर ऑफ मोल्स का सिंबल, नंबर ऑफ मोल का सिंबल स्मॉल एन. फॉर्मूला क्या, गिवन मास, प्लस मास का स्टैंडर्ड सिंबल है डब्ल्यू, मास का स्टैंडर्ड सिंबल है डब्ल्यू, और मोलर मास का स्टैंडर्ड सिंबल है कैपिटल एम. तो क्लास ये फॉर्मूला आपको रट्टा मारना है, एन इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम. प्लस कैसे है चेक करो, प्लस आपको कितना मास दिया था सोडियम का? 7.666, राइट? उसका मोलर मास कितना था? 23 ग्राम पर मोल. तो देखो आपको मास दिया था किसका, सोडियम का 7.666 ग्राम, और उसका मोलर मास मालूम है कितना है? 23 ग्राम पर मोल. तो प्लस आपको आंसर आया 0.33333. प्लस ग्राम ग्राम कैंसिल, और पर मोल ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, मोल. आई होप इट इज क्लियर.
तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. प्लस ये फॉर्मूला केमिस्ट्री में यूज होने वाला सबसे ज्यादा फॉर्मूला है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. स्मॉल एन फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का, गिवन मास अपॉन मोलर मास. ये क्लियर है आपको? ठीक है, ओके. तो प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, वन मोल में, वन मोल ऑफ सोडियम में कितने एटम्स होते हैं? क्विकली, वन मोल ऑफ सोडियम में कितने एटम्स होते हैं? वन मोल ऑफ सोडियम मतलब कितने एटम्स ऑफ सोडियम? ठीक है, नंबर बड़ा है, 6.022 × 10⁻². क्लास ये नंबर आपको मालूम है, वन मोल में यही नंबर आता है. वन मोल ऑफ सोडियम में 6.022 × 10⁻². एटम्स बराबर सोडियम के. प्लस दो मोल में कितने होंगे? वन मोल में इतने, दो मोल में कितने होंगे? इंटू टू. थ्री मोल में दिस नंबर इंटू थ्री. फाइव मोल्स में दिस नंबर इंटू फाइव. टेन मोल में दिस नंबर इंटू टेन. हंड्रेड मोल्स में दिस नंबर इंटू हंड्रेड. प्लस एन मोल्स में, एन मोल्स में कितने एटम्स होंगे सोडियम के? क्विकली बोलो, बोलो, लिखो जो भी है. अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास सोडियम के एन मोल्स है, तो उसमें सोडियम के कितने एटम्स होंगे? एन इंटू, वेरी गुड, बराबर है. तो क्लास, तो नंबर ऑफ एटम्स बराबर है, नंबर ऑफ, ये फॉर्मूला हो गया तेरा अपना तैयार. नंबर ऑफ एटम्स जीरो नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.022 × 10⁻². प्लस ये फॉर्मूला डायरेक्ट. तो नंबर ऑफ एटम्स, अगर आपका कंपाउंड एलिमेंट है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आपका कंपाउंड मॉलिक्यूल है, राइट. तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू एन इंटू 6.022 × 10⁻². प्लस ये दोनों फॉर्मूला हो गया. तो फॉर एन एलिमेंट, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, एंड नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर. ठीक है, मैं लिखता, ये फॉर्मूला लिख ले हम लोग साथ में. चलो सब साथ में लिखो. फॉर एन एलिमेंट, नंबर ऑफ स्मॉल एन, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. गिवन मास डब्ल्यू है, मोलर मास एम है, राइट. ओके, नंबर ऑफ एटम्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू 6.022 × 10⁻². ओके, तो अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है. अगर ये आपका लिख के हो गए, आराम से लिखो, मेरे उठता हो चाहिए तो. ये एलिमेंट के लिए, एलिमेंट मतलब आपको मालूम है, एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट आइटम, इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, राइट. फॉर अ कंपाउंड, तो क्लास ये सॉल्व करो. माय क्वेश्चन इज, हाउ मेनी मोल्स इन 32 ग्राम मीथेन? ये सॉल्व करो आप. हाउ मेनी मोल्स इन 32 ग्राम ऑफ मीथेन? हाउ मेनी मोल्स इन 32 ग्राम ऑफ मीथेन? वेरी गुड रोहित, बहुत फास्ट आंसर आया सब लोग को. ओके, करेक्ट आंसर है 32. कैसे आया? तो क्लास, मीथेन इज CH4, मीथेन इज CH4, राइट. CH4 बोला तो वन कार्बन एंड फोर हाइड्रोजन, बराबर है. कार्बन हैज मोलर मास 16, हाइड्रोजन मोलर मास 1, आई एम सॉरी, कार्बन हैज मोलर मास 12, हाइड्रोजन मोलर मास 4, तो 12 + 4 इज इक्वल टू 16 g/mol, राइट. 16 g/mol. तो आप बोलोगे कि वन मोल मीथेन 16 g, therefore x mole of methane is 32 g. तो लास्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा x is equal to क्या? 2, बराबर है. तो लास्ट व्हाट इज फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड? क्या आएगा फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड के लिए? सेम फॉर्मूला आएगा, राइट. गिवन मास w अपॉन मोलर मास
इन दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है? इन दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है? इट इज गिवन मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मोलर मास ऑफ एलिमेंट, राइट? और यहाँ पे गिवन मास ऑफ कंपाउंड अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड, ये एलिमेंट के लिए और ये कंपाउंड के लिए. तो गिवन मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मोलर मास ऑफ एलिमेंट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट एटम्स, एंड गिवन मास ऑफ कंपाउंड अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट मॉलिक्यूल. तो प्लस गिवन मास कितना था आपको? 32 ग्राम, और उसका मोलर मास है 16. तो 32 अपॉन 16 आपका आंसर आया, 32 अपॉन 16 आपका आंसर आया 32 ग्राम, 16 ग्राम पर मोल, प्लस ग्राम ग्राम कैंसिल फॉर 16 टू द 32, तो आपका आंसर आएगा 2 मोल, राइट? ठीक है. प्लस एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? एक मोल में अपॉन एक मोल में मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.022 इनटू 10^23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वन मोल में 6.022 10^23, प्लस टू मोल्स में 2 इनटू, फाइव मोल्स में 5 इनटू, 100 मोल्स में 100 इनटू, 500 मोल्स में 500 इनटू, n मोल्स में n इनटू, राइट? हाँ, प्लस हाँ, यहाँ पे इस n और इस n में डिफरेंस क्या है? इस n और इस n में डिफरेंस क्या है? दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, और ये दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट? तो प्लस फॉर्मूले सेम ही है. अगर आपके पास एलिमेंट है तो आपको फॉर्मुलाइज करना है एलिमेंट के लिए, और आपके पास मॉलिक्यूल है तो आपको फॉर्मुलाइज करना है कंपाउंड मॉलिक्यूल के लिए. इतना डिफरेंस है. तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू 6.022 10^23 इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है? क्लास एक बार देख लो सो दैट यू कैन सॉल्व द सिंपल क्वेश्चंस. आगे एक बार देखोगे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो क्लास आपको तीन क्वेश्चन देता हूँ, एक के बाद एक आप सॉल्व करोगे अगर आपको ये समझा है तो. प्लस प्लीज कुछ रिप्लाई करो, आपको ये समझ में आ रहा है या किसी और तरीके से आपको मैं एक्सप्लेन करूं आप बोलो. इफ यू नीड एक्सप्लेनेशन इन सम डिफरेंट वे आप बोल दो, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं किसी और तरीके से. देखो आई कैन नॉट कांट सी यू, तो मतलब इतना इजी नहीं है मेरे लिए भी कि आपको समझा नहीं समझा है वो मुझे समझे. ओके ठीक है. तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है, देखो गुड. तो पहला क्लास पहला क्वेश्चन सॉल्व करो. कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन 0.008 किलोग्राम ऑफ सल्फर. कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन 0.008 किलोग्राम ऑफ सल्फर गिवन मोलर मास ऑफ सल्फर इज 32 ग्राम पर मोल. आपको एग्जाम में दिया है मोलर मास ऑफ सल्फर इज 32 ग्राम पर मोल. प्लस आप ट्राई करोगे मैं उगता हूँ. कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन 0.008 किलोग्राम ऑफ सल्फर गिवन मोलर मास ऑफ सल्फर इज 32 ग्राम पर मोल. ओके देखते हैं. तो बस यहाँ पे एक गलती बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे तो जो आपको आगे नहीं करना है. हाँ प्लस व्हाट इज गिवन मास ऑफ सल्फर, मास ऑफ सल्फर कितना दिया उन्होंने बोलो. गिवन मास कैलकुलेट मास एंड नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन 0.008 किलोग्राम ऑफ सल्फर, राइट? गुड. तो बस सल्फर का मास कितना दिया उन्होंने 0.008 किलोग्राम का आंसर. ऑलमोस्ट सबका आंसर करेक्ट है, वेरी गुड. व्हाट इज मोलर मास ऑफ सल्फर, मोलर मास ऑफ सल्फर 32 ग्राम पर मोल. प्लस एक ही क्वेश्चन में एक क्वांटिटी किलोग्राम और एक ग्राम में चलेगा? एक ही क्वेश्चन में एक क्वांटिटी किलोग्राम और एक ग्राम में कभी नहीं चलेगा. प्लस अगर या तो दोनों किलोग्राम में होना चाहिए या तो दोनों ग्राम में होना चाहिए. तो हम लोग क्या करेंगे, इस किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे. तो 0.008 किलोग्राम इज
0.008 × 1000 बराबर ना किलोग्राम टू ग्राम, मतलब कितना आंसर आया 8 ग्राम बराबर है। तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास बराबर है। तो आपको गिवन मास है 32, सॉरी आई एम सॉरी, गिवन मास इज 8 ग्राम एंड मोलर मास ऑफ सल्फर इज 32 ग्राम पर मोल। तो प्लस 8 × 4 = 32 राइट। तो 0.1/4 कितना होता है 0.25 राइट, आंसर आएगा 1 ग्राम कैंसिल मोल। ठीक है, तो 1/ देखो 8 × 4 = 32 तो 1/4 इज 0.25। ओके क्लास, आपको एक क्वेश्चन और भी पूछा है, क्या पूछा है, नंबर ऑफ, आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। ठीक है, वेरी गुड, आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। अभी आपको नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना है। तो क्लास क्या फॉर्मूला नंबर ऑफ एटम्स का, तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू एनीवन, तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू, आपका आंसर करेक्ट है, तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू 6.022 × 10^23 इतना होता है बराबर है। सर नंबर ऑफ मोल्स कितना आता है 0.25, क्लास 0.25 लिखने से मैं 1/4 लिखता हूं, दोनों एक ही होता है आपको मालूम है। ठीक है ना, मैं वो पेज ले लेता हूं। तो क्लास ये एक मिनट मैं देखता हूं स्क्रीन को, तो ये 0.25 क्या था देखो, तो 8/32 था which is 1/4 and which is 0.25, so plus 0.25 1/4 likho, one and same hota hai, to main ye wala use karunga better, so 6.022 × 10^23 plus is number ko aaram se 4 divide kar sakte ho, to 6.022 divided by 4 answer aata hai 1.5055 bara na 1.5055 और ये पावर मल्टीप्लाई में ऑलरेडी पड़ा है 10^23 एटम्स पर एक। प्लस स्क्रीन बहुत ब्लर है, सबको ब्लर दिख रहा है, किसी को भी ब्लर दिख रहा है क्योंकि मेरा नेटवर्क अभी फिलहाल बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, क्या सबको ब्लर दिख रहा है, प्लस रिप्लाई करो फिर मैं वापस आता हूँ ये करके लॉग आउट करके, अगर बहुत ब्लर सबको दिख रहा है तो। हाँ लिटिल ब्लर, ठीक है, तो लाइट लगा कर दूसरे का, एक मिनट मैं थोड़ा दूसरा लाइट ऑन करके देखता हूँ। ठीक है ठीक है, आई विल एक काम करता हूँ, आई विल कम बैक। क्लास अभी ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास सेकंड क्वेश्चन करो, अगर यहाँ पे होगा रहेगा तो कैलकुलेट, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स and number of items in 0.022 kg of carbon dioxide. Plus try karo, calculate number of molecule, calculate number of moles, number of molecules and number of atoms in 0.022 kg of carbon dioxide. तो बस पहले क्वेश्चन में आपने आपके पहले क्वेश्चन में सल्फर था, सल्फर इज एलिमेंट राइट, इस क्वेश्चन में कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड इज
मॉलिक्यूल और कैसे कंपाउंड. नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन 0.022 किलोग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ओके आंसर वेरी गुड. फर्स्ट स्टूडेंट बहुत फास्ट है हमारे. तो क्लास यहाँ पे मास कितना दिया है? मास दिया आपको 0.022 केजी, राइट? मतलब 0.022 इंटू 10^3 मतलब ग्राम, मतलब ये आंसर आ गया 22 ग्राम. 10^3 मतलब 1000, राइट? हाँ. प्लस मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मोलर मास तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस CO2 मतलब एक कार्बन और दो ऑक्सीजन. कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 16. तो 12 प्लस 32 कितना आएगा? 44 ग्राम पर मोल. तो क्लास ये होगा इसका मोलार मास, किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का. हाउ टू फाइंड मोलार मास ऑफ मॉलिक्यूल, इट इज द सम ऑफ द मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन द मॉलिक्यूल, हमने देखा था. CO2 का मोलार मास कितना है? 44 ग्राम पर मोल. प्लस व्हाट इज फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास अपॉन मोलार मास. तो गिवन मास इज 22 ग्राम and molar mass is 44 gram per mole, right? So aapko answer aayega 1/2. Ye gram gram cancel mole, right? Ya fir simply likh sakte ho aap 0.5 mole. Almost sabko ye answer correct aa gaya, aise main assume karta hu. Bahut log answer dikhaya bhi tha. Haan. Haan. Plus number of molecules formula, number of molecules is equal to, very good, number of molecules number of moles, right, into 6.022 into 10^23. So ye n 1/2 hai, apne abhi nikala hai 0.5 plus 0.5 se multiply karne se acha 2 se divide karna easy padega. 6.022 into 10^23, so answer aayega 3.011 into 10^23. Kya, very good, almost sabka answer correct hai. प्लस तीसरा पार्ट बहुत ट्रिकी है, डिफिकल्ट मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा. तीसरा पार्ट ट्रिकी है, नंबर ऑफ एटम्स. एनीबॉडी, नंबर ऑफ एटम्स. तो यहाँ पे फॉर्मूला नहीं चलेगा, यहाँ पे आपका दिमाग चलेगा, यहाँ पे आपका ट्रिक चलेगा. हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. नंबर ऑफ एटम्स किसको बोलना है तो माइक ऑन करके बोल सकते हो, किसको लिखना है तो टाइप करके बताओ मुझे. देखो हमें पूछा था नंबर ऑफ मोल्स, निकाल दिया हम लोगों ने, हमें 0.5 आंसर आ गया. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा था, हमने वो निकाल दिया, ये आंसर आ गया. तीसरा क्वेश्चन भी था क्या, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एंड नंबर ऑफ एटम्स. यस सर, बोलिए क्या करोगे आप इसके लिए. कोई भी ट्रिक आपको, अगर देखो आप लिख के नहीं बोल सकते हैं, आपका माइक अनम्यूट करो और बोल दो बिंदास और सबको बता दो, मतलब नो प्रॉब्लम. इट विल बी सेम एज मॉलिक्यूल्स, नहीं सेम तो नहीं होगा. तो क्या आपको कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला मालूम है? फॉर्मूला कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 बराबर है नहीं, 44 भी नहीं. प्लस थोड़ा सा ट्रिकी है, मुझे मालूम है, मतलब आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है अभी इस लेवल पे, फिर भी आप बाद में बोलोगे अरे है ये तो हमें मालूम था. प्लस ये फॉर्मूला है कार्बन डाइऑक्साइड का, राइट? तो प्लस दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज हाउ मेनी एटम्स? टेल मी, इस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है? दिस वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 हैज हाउ मेनी एटम्स? टाइप करो, दिस वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 हैज हाउ मेनी एटम्स? CO2 में एक कार्बन और दो ऑक्सीजन, राइट? तो आपके पास एक मॉलिक्यूल में टोटल थ्री आइटम्स है, नहीं?
एग्री. तो वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सीओ टू कंटेन थ्री एटम प्लस अगर मैं बोलता हूँ वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितने एटम होते हैं सीओ में, वन मोल ऑफ कार्बन वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितने होते हैं सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड में, अगर मैं सीओ लेता तो कितने होते हैं एक कार्बन एक ऑक्सीजन दो आइटम होते हैं. अगर मैं मीथेन बोलता मीथेन सी एच फोर कितने आइटम होते हैं बोल दो मीथेन में, मुझे इसका आंसर चाहिए मीथेन में कितने आइटम होते हैं, मीथेन के एक मॉलिक्यूल कितने होते हैं पांच होते हैं क्लास के से पांच कार्बन का एक और हाइड्रोजन के चार टोटल पांच आइटम होते हैं. वेरी गुड. बस वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन थ्री आइटम्स. आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स है, आपके पास कितने मॉलिक्यूल कितने 3.011 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स. हाउ मेनी एटम्स एक्स आइटम्स राइट, हमें मालूम नहीं है कितने. तो क्लास क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स इज इक्वल टू 3 × 3.011 × 10⁻²³ दैट इज इक्वल टू 9.033 राइट. आपको सोचना है. अब जब तक सोचते नहीं आप तब तक साइंस के स्टूडेंट नहीं हो. ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो ये आपको समझ में आ गया कैसे किया पूरा क्वेश्चन. तीसरा पार्ट पहले दो पार्ट तो इजी थे फॉर्मूला वहां पे थे. सर लास्ट वाला पार्ट नहीं समझा. नहीं समझा ठीक है. अभी मैं आपके क्वेश्चन पूछता हूँ ठीक है. हेलो आप आंसर दो. आपको इस क्वेश्चन में कितने मॉलिक्यूल मिले कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल कितने मिले 3.011 × 10⁻². इतने मॉलिक्यूल मिले राइट कार्बन डाइऑक्साइड के हमने सॉल्व किया तो ठीक है. एक मॉलिक्यूल में कितने आइटम होते हैं, एक मॉलिक्यूल में 3 आइटम होते हैं. ये समझा CO2 का अगर मेरे पास अगर एक मॉलिक्यूल होता है एक मॉलिक्यूल तो उसमें 3 आइटम होते हैं, दो होते तो कितने होते three to the sixth, right? एक मॉलिक्यूल में दो आइटम. देखो एक मॉलिक्यूल होता मेरे पास एक मॉलिक्यूल में 3 आइटम राइट. तो मेरे पास अगर दो मॉलिक्यूल होते उसके अंदर कितने आइटम होते हैं 3 × 2 = 6 होते हैं. और आपके पास तीन मॉलिक्यूल होते उसके अंदर कितने होते हैं बोलो 3. समझ में आ रहा है नहीं अभी भी नहीं ठीक है. मैं सिंपल बोलता हूँ एक मॉलिक्यूल में देखो एक मॉलिक्यूल में कितने आइटम है 3 आइटम है. अगर आपके पास अगर आपके नहीं समझो अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल होता है एक मॉलिक्यूल उसमें कितने होते 3 आइटम होते हैं. आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स है, आपने कितने मॉलिक्यूल निकाले 3.011 दो चॉकलेट तो 10 रुपए में कितना क्या करते थे उसके लिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते थे ना. तो एक मॉलिक्यूल में एटम्स 3.011 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स. हाँ. तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो 1 × x हो जाएगा. तो 1 × x हो जाएगा. हाँ. ये 3 × ये हो जाएगा. तो आपको x का आंसर कितना आया 9.033 × 10⁻²³. नहीं समझा. हाँ समझा समझा ठीक है पक्का. हाँ बाकी लोग आपको क्लियर है या स्क्रीन वापस ब्लर हो गया क्या करे स्क्रीन ब्लर के मेरा तो नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है बहुत क्या करे. ठीक है देखते है अभी थोड़ा सा उनको भेज देंगे उनको जो ब्लर है नहीं समझ में आ रहा है या नहीं दिख रहा है उनको समझ में आ जाएगा. ठीक है चलेगा. आपको दिख रहा है क्या सर थोड़ा ब्लर है सर नंबर समझ में नहीं आ रहे. ठीक है क्लास फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं देखते हैं.
चलो अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट थिंग, मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अगला मैं लेक्चर के बाद कमले सर के पास आपके आपके लिए कुछ क्वेश्चन भेजूंगा, आपको सॉल्व करके रखना है नेक्स्ट लेक्चर से पहले, ज्यादा नहीं दो तीन ही भेजूंगा, आप ट्राई करो। तो मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्लस मैटर क्या होता है, मैटर इज समथिंग विच रिक्वायर स्पेस राइट, जिसको जगह लगता है एंड विच हैज मास, दैट इज कॉल्ड द मैटर। समथिंग विच रिक्वायर स्पेस, उसको रखने का जगह लगता है और जिसको कुछ मास होता है हम उसको मैटर बोलते हैं। तो मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मतलब लोग मैटर का कौन सा प्रॉपर्टी मेजर कर सकते हैं, तो क्लास मैटर का सबसे पहले आप प्रॉपर्टी मेजर कर सकते हो इसका मास। एनीबडी, मास हम लोग मेजर कैसे करते हैं किसी भी चीज का, किसी चीज का मास कैसे मेजर करते हैं, कर सकते हैं मेजर मास किसी चीज का? यस, अगर मैं बोलता हूँ आप दुकान से जाके 1 किलोग्राम राइस लेके आओ, तो दुकान में क्या पड़ा रहता है राइस लेने के, 1 किलोग्राम राइस कैसे देता है आपको शॉपकीपर, बाय यूजिंग बैलेंस राइट, वेटिंग स्केल, उसके बाद बैलेंस होता है राइट। तो हम लोग बैलेंस यूज करके क्या कर सकते हैं, किसी चीज का मास फाइंड कर सकते हैं, बराबर है। तो मास है एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ मास आपको मालूम है सिस्टम इंटरनेशनल, तो एसआई यूनिट ऑफ मास एनीबॉडी, एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी, केजी किलोग्राम, तो एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी। तो बस अभी आपको केमिस्ट्री में 11th और 12th स्टैंडर्ड में मास को एक यूनिट से दूसरे में कन्वर्ट करते आना चाहिए, और क्लास ये आप मेरे साथ लिखोगे भैया, आपको मास को एक यूनिट से दूसरे में कन्वर्ट करते आना चाहिए। तो क्लास, तो अगर मैं लिखता हूँ मेरे पास मास है 1 mg, ठीक है, मेरा समझाओ मेरे पास अगर मास है 1 ग्राम, तो मिलीग्राम में होता है वो 10^3 मिलीग्राम, प्लस ग्राम बड़ा है या मिलीग्राम बड़ा यूनिट है, ग्राम और मिलीग्राम में कौन सा यूनिट बड़ा है, ग्राम या मिलीग्राम, ग्राम, ग्राम बड़ा है। तो क्लास याद रखो कभी भी कन्वर्जन करते हो तो जब बड़े यूनिट से छोटे में कन्वर्ट करते हो तो 10^10 हमेशा प्लस में आता है, याद रखो ये बहुत सिंपल चीज है। आप ग्राम को मिलीग्राम कर रहे हो तो बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो मैंने कन्वर्ट बड़ा यूनिट इंटू बिगर यूनिट इंटू स्मॉलर यूनिट, तो 10^10 हमेशा प्लस में होता है, तो 1 ग्राम इज 10^3 मिलीग्राम। प्लस दूसरा थिंग 1 किलोग्राम इज 10^3 ग्राम, तो प्लस किलोग्राम और ग्राम में कौन बड़ा है, किलोग्राम राइट। तो जब किलोग्राम को जब ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो यू कन्वर्ट बिगर यूनिट इनटू स्मॉलर यूनिट, तो 10^ प्लस में आएगा 10^3 ग्राम। प्लस तीसरा चीज, इफ आई से 1 किलोग्राम, अभी आप इसका आंसर बताओ, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू मिलीग्राम, प्लस क्या लिखू पावर 10 के ऊपर में, आप बोलो, आप ये दो देख के बताओ क्या होना चाहिए, 6, वेरी गुड, क्यों 6, तो प्लस मिलीग्राम टू ग्राम 10^3 हो गया, ग्राम टू किलोग्राम 10^3 वापस हो गया, तो टोटल 10^6 हो गया राइट, तो 1 किलोग्राम इज 10^6 मिलीग्राम प्लस, ठीक है। इसको उल्टा करोगे तो 1 मिलीग्राम कितना ग्राम होगा, मिलीग्राम से ग्राम बड़ा यूनिट, प्लस अभी भी छोटे यूनिट को जब बड़ा यूनिट में कन्वर्ट करते हो आपको 10^10 आता है माइनस में, तो क्या आएगा 10^-3 ग्राम, मिलीग्राम से ग्राम बड़ा यूनिट है, तो व्हेन यू कन्वर्ट स्मॉलर यूनिट इनटू बिगर यूनिट यू हैव टू पुट नेगेटिव पावर 10^-3 ग्राम, ठीक है। प्लस 1 ग्राम कितना किलोग्राम होगा, 1 ग्राम कितना किलोग्राम होगा, 10^-3 उल्टा कर रहे हैं ना हम लोग, छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ग्राम टू किलोग्राम, तो ग्राम टू किलोग्राम, तो 1 ग्राम इज 10^-3 किलोग्राम। प्लस लास्ट 1 मिलीग्राम विल बी 10^-6 मिलीग्राम। प्लस याद रखो ये जो मैं सिखा रहा हूँ आपको, ये आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर केमिस्ट्री पेपर 1 में और फिजिक्स में सिर्फ न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स होते हैं, अगर आपको ये सिंपल चीजें नहीं आएंगी आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है।
प्लस मास का एक यूनिट और भी है, सबसे छोटा यूनिट क्या होता है इसको, डाल्टन, 1U. 1U होता है 1.6605 × 10⁻²⁴ ग्राम, या फिर 1U होता है 1.6605 × 10⁻²⁷ किलोग्राम. तो ये सब कन्वर्जन है मास के लिए. ठीक है, तो मेजरल प्रॉपर्टीज आप कैसे, तो पहला प्रॉपर्टी है मास, ये सब मासेस के कन्वर्जन है. विजिबल ही नहीं है बिल्कुल, एक मिनट मिना. प्लस मैं इसको आपको भेज देता हूँ ये सर के पास बाद में. ठीक है, प्लस सेकंड आप सुनो सिर्फ और आंसर दो. सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज वॉल्यूम, और वॉल्यूम का ऐसा यूनिट है, आप सुनते जाओ सिर्फ सुनो, मेरा आवाज तो आ रहा है आपको. वॉल्यूम का ऐसा यूनिट है मीटर क्यूब, स्मॉल एम मीटर क्यूब. तब आप वॉल्यूम कैसे मेजर करते हैं हम लोग, हाउ वी मेजर द वॉल्यूम ऑफ द थिंग्स. हाउ वी मेजर द वॉल्यूम ऑफ द थिंग्स, तो क्लास ध्यान दो. समझो मेरे पास एक बॉक्स है, ये बॉक्स है, प्लस इसका लेंथ, इसका ब्रेड्थ और इसका हाइट. लेंथ ब्रेड्थ हाइट प्लस, अब अगर ये पूरा बॉक्स भरा हम लोगों ने किससे, समझो हमने पूरा बॉक्स भरा सैंड से, ये पूरा बॉक्स हमने सैंड से रेत से भर दिया, तो इसके अंदर जो रेत है उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो क्लास वॉल्यूम होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, बराबर है. ठीक है, इसके अंदर जो सैंड होगा उसका वॉल्यूम होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, बराबर इसका. क्लास दूसरा क्वेश्चन, अगर इसके अंदर मैंने पानी भरा, इस बॉक्स के अंदर पूरा बॉक्स पानी से भरा है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, सेम लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, बराबर ना. हाँ, अगर इसके अंदर समझो कोई गैस भरा हम लोगों ने, कोई तो गैस भर दिया, और ये समझो ये सिलेंडर बंद है, ये बॉक्स पूरा बंद है, अंदर गैस है, तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट. तो क्लास अगर मैं लेता हूं लेंथ, अगर मैं लेता हूं लेंथ इन सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इन सेंटीमीटर एंड हाइट आल्सो इन सेंटीमीटर, लेंथ सेंटीमीटर में, ब्रेड्थ सेंटीमीटर, हाइट सेंटीमीटर में, तो वॉल्यूम क्या होगा, समझो लेंथ 1 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर है और हाइट भी 1 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम क्या होगा, 1 centimeter cube. Very good. Into 1 centimeter, the volume will be 1 centimeter cube. Now, agar yehi length main decimeter mein leta to, length leta 1 decimeter, breadth leta main 1 decimeter, aur height leta main 1 decimeter. To iska volume kya hota? 1 decimeter cube. Theek hai. Agar main length leta meter mein, breadth leta meter mein aur height leta meter mein, to meter cube. मीटर क्यूब. तो क्लास वॉल्यूम मेजर करने के लिए तीन इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब एंड मीटर क्यूब, बराबर है. तो क्लास सबसे पहले 1 decimeter cube होता है 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, 1 meter cube होता है 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब, एंड 1 meter cube होता है 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब. प्लस देखो सेंटीमीटर क्यूब टू डेसीमीटर क्यूब 10⁻³ और डेसीमीटर क्यूब टू मीटर क्यूब वापस 10⁻³, टोटल कितना होगा 10⁻⁶. तो 1 decimeter इज 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, 1 meter cube इज 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब, 1 meter cube इज 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब. प्लस उल्टा करेंगे तो 1 centimeter cube इज 1 centimeter cube is 10⁻²⁻³ decimeter cube,
1 डेसीमीटर क्यूब विल बी 10 रेस टू माइनस 3 मीटर क्यूब एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब विल बी 10 रेस टू माइनस 6 मीटर क्यूब. एक क्लास को नहीं दिख रहा, मैं अभी भेजता सर को. हाँ क्लास, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास, कभी मत बोलना, ये आपको बहुत ज्यादा बार लगेगा. डेसीमीटर क्यूब को हम लोग लीटर भी बोलते हैं. सुनो, अब सुनो, एटलीस्ट डेसीमीटर क्यूब को हम लोग लीटर भी बोलते हैं. अदर नेम फॉर डेसीमीटर क्यूब इज लीटर. तो क्लास, जब अभी अभी लॉकडाउन खत्म होने के बाद कभी दूध लेने जाओगे तो बुक्स को क्या बोलोगे? 1 डेसीमीटर क्यूब मिल्क बोलने का. थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा. 1 डेसीमीटर क्यूब मतलब क्या होता है? 1 लीटर. अदर नेम फॉर लीटर इज 1 डेसीमीटर क्यूब. एंड अदर नेम फॉर सेंटीमीटर क्यूब इज मिलीलीटर, ml. तो व्हेन आई से ml, ml मतलब मिलीलीटर इज अदर नेम फॉर सेंटीमीटर क्यूब. And liter is other name for decimeter cube. तो class ये सब conversion है किसके? Volume के. तो class ये सब conversion आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए. How to convert centimeter to decimeter cube, meter cube to centimeter cube, तो or any one unit into other unit आपको आना चाहिए. तो class ये सब relation है उनके बीच में. तो आपको ये बाहर भी नहीं करना, आपको याद रखना है centimeter से बड़ा decimeter होता है और decimeter से बड़ा meter होता है. तो centimeter cube से बड़ा decimeter cube होगा और decimeter cube से बड़ा meter cube होगा. रिलेशन 10 रेस टू पावर 3 का होता जाएगा बार बार, एक के बाद एक. गॉट इट? तो और प्रॉपर्टी हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ये ज्यादा हो गया आज के लिए आपके लिए. ये आप देख रहे हो, या मैं आपको इसका फोटो भेज देता हूँ सर को, किसको? कमलेश सर को, फिर वो आपको भेज देंगे अगर आपको दिख नहीं रहा है तो. या फिर आपको मैं कल रिवाइज करूंगा, ये डोंट वरी अबाउट इट. ओके, हाँ थैंक यू सर जी. हाँ, किसी को पूछना है सर?